हेलो गाइस, वेलकम टू बर्नआउट। तो आज हमारे पास है होंडा सिटी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। तो अब हम आते हैं इसकी की पे। इसकी की में लॉक, अनलॉक और टू ओपन द बूट के लिए तीनों के लिए बटन्स दिए गए हैं। तो अब हम आते हैं इसके इंजन बे पे। होंडा आईवी टेक का इंजन है, 1500 cc इंजन है और काफ़ी अच्छा इंजन है, जिस वजह से कार सबसे ज़्यादा बिकती है अपने सेगमेंट में और ओपन इंजन है। इंसुलेशन कार में नहीं है बट तब भी इसमें इंजन नॉइस नहीं आती। तो अब हम आते हैं इसकी लुक पे। ये बल्की लुक है और प्रीमियम लुक देती है कार। साथ में इसमें इस बोनेट पे दो लाइंस दी गई हैं लेफ्ट एंड राइट साइड, जो कार को काफ़ी स्पोर्टी बनाती है। क्रोम ग्रिल है, होंडा की बैजिंग है। और अब हम आते हैं इसकी हेडलाइट्स पे। हेडलाइट्स में DRLs है, डे टाइम रनिंग लाइट्स, LED, 2 वाइट लाइट्स दी गई हैं और ये इंडिकेटर के लिए एक बल्ब दिया है लेफ्ट साइड पे। और थोड़ा अगर हम नीचे आएँ तो थोड़ा नीचे फॉग लैम्प्स हैं, जो इसकी काफ़ी कार को लुक को इन्हेंस करते हैं। तो अब हम आते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पे। साइड प्रोफाइल पे कार की लेंथ काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। कार की लेंथ 4440 लेंथ है mm बेसिकली। और अब हम आते हैं इसके टायर साइज़ पे। टायर साइज़ पे 16 इंचेस अलॉय हैं, ब्रिजस्टोन के टायर हैं, 185/55 R16 टायर का साइज़ है। गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm है। और अब हम आते हैं इसकी बैक लुक पे। बैक लुक से काफ़ी प्रीमियम लुक देती है ये। प्रीमियम लुक पे अब हम आएंगे इसकी रियर लाइट्स पे। रियर लाइट्स पे DRL है, डे टाइम रनिंग लाइट, LED लाइटिंग है। यहाँ येलो बल्ब होता है रिवर्स के लिए एंड दिस इज़ फॉर टर्न इंडिकेटर्स। तो अब हम आएंगे इसके टायर पे। टायर पे डुअल टोन है और साथ में डायमंड कट अलॉयज हैं। इसकी बूट या तो रिमोट से खुलती है या एक सेंसर है या उससे खुलती है। जैसे मैंने सेंसर प्रेस किया तो इसकी बूट है, जो बूट 510 लीटर्स की बूट स्पेस है, जो काफ़ी मैसिव है। इसमें फर्स्ट एड किट देती है। और साथ में अगर हम स्टेपनी की बात करें तो स्टेपनी में हमें एक तो टूल किट मिल जाती है और ये जो स्टेपनी टायर है, द बेस्ट पार्ट इज़ ये हमें अलॉय मिलता है, हमें स्टील टायर नहीं मिलता और सेम साइज़ का मिलता है, ब्रिजस्टोन का कंपनी का। रियर कंफर्ट में शॉफर ड्रिवन कार के हिसाब से कार काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कंफर्टेबल है। जैसे मेरी हाइट 6 feet है, हेडरूम थोड़ा डिसेंट है, हेडरेस्ट एडजस्टेबल है ही नहीं, सीट्स के साथ है, साथ में आर्मरेस्ट है, ये सबसे अच्छी बात है। लेदर सीट्स है, 2 कप होल्डर्स, देन साथ में रीडिंग लाइट्स, येलो लाइट्स 2, जो हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि काफ़ी गाड़ियों में नहीं होती। और अगर हम आए इसके अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है, बट लेग रूम काफ़ी अच्छा है। आराम से मैं ऐसे बैठ सकता हूँ, पैर पीछे कर सकता हूँ, आराम से मेरी लेग्स मूवेबल है। इधर भी हम हैंड रख सकते हैं, बट कंफर्ट, रियर कंफर्ट अगर ऑल ओवर हम बात करें, बहुत अच्छा कार। जर्क्स अगर हम थोड़ा बात करें, जैसे गड्ढों में कार जाती है, कहीं भी ऊपर होती है नीचे, तो काफ़ी पता लगता है क्योंकि कार सेडान है। कार की ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm है जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो उस हिसाब से जर्क्स काफ़ी महसूस होते हैं, बट ठीक है अपने सेडान के हिसाब से। तो अब हम आते हैं इसके ड्राइवर साइड डोर पे। डोर पे रिक्वेस्ट सेंसर्स हैं ड्राइवर साइड एंड पैसेंजर साइड एज वेल, और टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं साइड मिरर्स पे। अब मैं आपको बताऊंगा, जैसे ये रिक्वेस्ट सेंसर में मैंने हैंड डाला, कार ऑटोमेटिकली ओपन हो गई और साइड मिरर्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। सीट 6th मैनुअली एडजस्टेबल है, साथ में ड्राइवर विंडो के लिए ऑटो अप एंड डाउन है। साथ में अगर हम थोड़ा और उधर साइड में आएँ तो ORVMs हम अंदर से कंट्रोल कर सकते हैं, एडजस्टेबल है। साथ में कार में 8 स्पीकर्स दिए गए हैं। तो आइए अब हम चलते हैं इसकी ड्राइव पे। इसकी ड्राइव पे अब जैसे कार चलने लगी है तो मैं आपको इसके बेसिक्स से बताता हूँ कि कार जो पावर प्रोड्यूस करती है वो 117.6 एट 6600 RPM पे कार पावर प्रोड्यूस करती है, एंड जो टॉर्क प्रोड्यूस करती है कार 145 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है एट 4600 RPM। अगर हम सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी में कार 6 एयरबैग्स देती है, एक ड्राइवर साइड, एक पैसेंजर साइड एंड बाकी साइड्स।
और अगर मैं जैसे अगर बोलूँ सेंट्रल लॉकिंग है, आईएसओ फिक्स, चाइल्ड सेफ्टी है एंड इंजन मोबिलाइजेशन है, इंजन वार्मिंग अलार्म है, साथ में ऑटोमेटिकली कार 30 के स्पीड के ऊपर लॉक हो जाती है। और अब जैसे मैं इसके आऊँ थोड़े गियर बॉक्स पे, गियर बॉक्स पे अगर हम बात करेंगे तो गियर बॉक्स इसका थोड़ा छोटा लगा है मुझे। इसका गियर 5 स्पीड है, ये कार मैनुअल ट्रांसमिशन। एंड अगर हम इसके कंसोल पे आए, कंसोल गाड़ी का काफ़ी प्रीमियम लुक है, ऑल ब्लैक बेसिकली, एंड कई जगह पियानो फिनिशिंग भी दी गई है। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है गाड़ी में फीचर, एंड जिसका इंफोटेनमेंट है, इंफोटेनमेंट 17.7 सेंटीमीटर का इंफोटेनमेंट स्क्रीन है जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। एप्पल कार प्ले एंड एंड्रॉयड प्ले ये भी है इसके अंदर, काफ़ी अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम है। और स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास टॉप मॉडल है। और अगर हम थोड़ा ऊपर देखेंगे तो ऊपर ये डे एंड नाइट ऑटो रियर व्यू मिरर है, साथ में हमें 2 लाइट्स मिलती हैं, हेलोजन लैम्प्स एलईडी नहीं मिलते। अगर हम यहाँ थोड़े आए सनशेड पे, सनशेड में हमें वैनिटी मिरर नहीं मिलता, सिर्फ टिकट होल्डर मिलता है। और अगर हम थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ऊपर सनरूफ इसकी काफ़ी अच्छी है, जो इसकी काफ़ी अच्छी लुक प्रोड्यूस करती है। मेरे को गाड़ी के अंदर बस एक ही ड्रॉबैक लगा, जैसे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 165 NM। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से अगर जैसे कोई 4 लोग बैठे हैं गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी के अंदर जैसे अगर 4 लोग बैठे हैं तो उसमें एक है इशू कि गाड़ी में जब बैठ जाते हैं तो गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस और थोड़ी दब जाती है, गाड़ी बैठ जाती है, क्योंकि इसके सस्पेंशन प्लेन रोड के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं, बट इंडियन रोड के हिसाब से अगर हम बात करें तो स्पीड ब्रेकर्स और उसमें काफ़ी जर्क और काफ़ी फील होता है कि हाँ, और कई बार गाड़ी नीचे से भी लग जाती है इसलिए। तो अगर हम जैसे दिखाएं तो कार काफ़ी अच्छे से कट जाती है। और डैशबोर्ड पे हम आए तो डैशबोर्ड पियानो फिनिश है, साथ में टच स्क्रीन है, 17.7 सेंटीमीटर की स्क्रीन है इसमें। साथ में अगर हम आए एसी क्लाइमेट कंट्रोल है, रियर डीफॉगर, फ्रंट डीफॉगर, एसी भी काफ़ी अच्छा ठंडा करता है, ऐसी कोई इशू नहीं है। साथ में आर्मरेस्ट भी दिया है कार के अंदर, और कार के अंदर क्रूज़ कंट्रोल भी है। अभी जैसे कार 50 पे है, अब मैंने क्रूज़ कंट्रोल दबा दिया तो क्रूज़ कंट्रोल ऑटोमेटिकली चल रहा है। देखा जाए तो एकदम एग्जैक्ट मैंने 42 पे दबाया है तो 42 पे चल रहा है, मेरा पैर नहीं है रेस पे, ऑटोमेटिकली आप देखें तो आराम से चल रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, अगर आपको कोई कमी दिखती है तो प्लीज़ कमेंट करिए, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके हम जो भी वीडियो डालें। थैंक यू।